हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूवर्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं और जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम एक और टैरो कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखेंगे इस वक्त आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और इस वक्त उनके दिल दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, आपके लिए क्या कुछ सोच रहा है ये पर्सन आपके बारे में, यही देखने की कोशिश करेंगे राइट नाउ कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी एनर्जी और क्या कुछ एक्शन हो सकता है उनकी तरफ से आपके लिए, ये देखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके व्यूअर्स, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी जोड़ी एक साइंस के लिए रहने वाली है। ओके व्यूअर्स, और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है यह। हमने आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं और इन कार्ड्स को बाद में क्लैरिफाई भी करेंगे। अभी जो हमारे पास कार्ड्स आए हैं, बॉटम द डैक है हमारे पास मॉरेलिटी एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं द ड्रीम, नो थिंगनेस, सेपरेशन एंड एडवेंचर। तो यहाँ पर मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी देख पा रही हूँ जिसने पास्ट में अपनी बहुत सारी ऐसी इच्छाएं थी जिनका दमन कर दिया था, अपने ही अंदर अंदर ना दबाए बैठा था ये पर्सन और सिर्फ इमेजिन करता था ये पर्सन कि इसकी लाइफ कैसी होगी। तो ये खुलकर कुछ भी कर नहीं पाया अपने जीवन में, सिर्फ इमेजिन ही करता रह गया। अगर इस पर्सन की चाह थी कि एक बहुत ही अच्छा सा पार्टनर इसको मिले जिसके साथ ये जीवन में आगे बढ़ेगा, आपका साथ इस पर्सन को मिला तब इस पर्सन को लगा कि इसका ये ड्रीम पूरा हो गया है। तो आपको पाकर इसको किसी और को पाने की ख्वाहिश शायद ना रही हो, बट शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, आप दोनों सेपरेट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप दोनों के बीच जो सेपरेशन आया है उसकी मेन वजह इस पर्सन की लाइफ में अचानक से ही सडनली कोई बहुत बड़ा चेंज आया है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम इस पर्सन के जीवन में आई जिसकी वजह से इस पर्सन को आपका साथ छोड़ना पड़ा, आपको बाय बाय कहना पड़ गया है। तो ये तो थी पास्ट की एनर्जी आपके पर्सन की। अब प्रेजेंट में इस पर्सन की जो फीलिंग्स हम देख रहे हैं इस वक्त की, तो वो इस तरह की हैं कि इसे अफसोस हो रहा है अपने डिसीजन पर। इसे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में ये प्रॉब्लम ना ही होती तो आप दोनों आज साथ में होते, इसकी बहुत सारी जो इच्छाएं इसने दबाई थी आपके साथ में, एक एडवेंचरस से भरी हुई लाइफ इस पर्सन ने जो देखी थी, आज इसकी वो ख्वाहिश पूरी हो चुकी होती, ये आपको पा चुका होता, आप दोनों साथ में होते और इस तरह ये आपको इमेजिन ना कर रहा होता इस वक्त। तो इस पर्सन को इस चीज़ का बहुत अफसोस है, जो इसकी इच्छाएं थीं इसने सोचा था उन इच्छाओं को पूरा करेगा, बट अंदर ही अंदर आज भी दबाए बैठा है इस इच्छा को। बट यहाँ पर हमारे पास जो नो थिंगनेस आया है ना, यानी कि अब इस पर्सन का माइंड, इसका दिल बिल्कुल खाली है एक तरह से। ना तो इसके जीवन में कुछ अच्छा है ना ही कुछ बुरा है, इस वक्त इसका माइंड ब्लैंक है और इस माइंड पर ये जो चाहे वो लिख सकता है। यानी अगर आपका साथ इस पर्सन को चाहिए तो अभी आपको पाने की ख्वाहिश रख सकता है, इसे ऐसा लग रहा है। अब ये बिल्कुल फ्री है, फ्री माइंड के साथ, फ्री दिल के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये अब कर सकता है। इसे रियलाइज़ हो रही है ये चीज़ कि अब कर सकता है, ये आपको टाइम दे सकता है, ये आपके सपने देख सकता है, ये आपको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकता है, ये आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है। और इस वक्त जो एक खालीपन इस पर्सन की ज़िंदगी में है, ये उस खालीपन को भर सकता है आपके साथ से। तो यहाँ ये पर्सन ये सब सोच रहा है कि इसको ऐसा लग रहा है कि ये अब अपनी किस्मत खुद लिखने के काबिल हो चुका है, ये जीवन में कुछ पा चुका है। तो इसे अब ऐसा लगता है कि अब इसे अपनी इच्छाओं को दबाने की ज़रूरत नहीं है, अब ये पर्सन आपका साथ चाहता है और आपके ड्रीम देख रहा है। ये पर्सन द ड्रीम का कार्ड भी हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये पर्सन अगर आपको किसी और के साथ में देखता है तो इसे बहुत बुरा लगता है। अब ये पर्सन आपको पाने की ख्वाहिश कर रहा है, अब ये पर्सन चाहता है कि आप किसी और की ज़िंदगी का हिस्सा ना बन करके इसकी ज़िंदगी का हिस्सा बने, इसकी ज़िंदगी को कम्प्लीट करें, इसकी जो इच्छाएँ हैं उनको पूरा करने में इस पर्सन की हेल्प करें। तो यहाँ पर ये पर्सन आपकी हेल्प भी चाहता है और एक एडवेंचरस से भरी हुई लाइफ चाहता है आपके साथ में। तो ये चीज़ें मैं यहाँ देख पा रही हूँ और जो भी गम इस पर्सन की ज़िंदगी में था ये उसे भूल जाना चाहता है, एक नए सिरे से एक न्यू फ्रेश स्टार्ट आपके साथ में इस रिलेशनशिप का करने के बारे में सोच रहा है इस वक्त। ओके व्यूअर्स, तो इस रीडिंग में और क्लैरिटी लाने के लिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। ओके व्यूअर्स, तो जब तक मैं कुछ कार्ड्स क्लैरिफाई कर रही हूँ आप वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें और मुझे बता सकते हैं कि क्या ये रीडिंग आपकी है, क्या आपसे रेजोनेट कर रही है, कितना रेजोनेट की है। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पर हमारे पास एडवेंचर को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ पेंटिकल्स ने और यहाँ पर जैसे मैंने कहा ना, एडवेंचर से भरी हुई लाइफ चाहता है, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट चाहता है और एस ऑफ पेंटिकल्स आ भी गया है।
और यहाँ सेपरेशन को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ वांड्स ने, तो देख रहे ना एक्शन के मूड में है ये पर्सन, आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, अपनी इच्छाओं को दबाना नहीं चाहता, अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है आपके साथ से। नोथिंगनेस को क्लैरिफाई किया है सेवन ऑफ वांड्स ने, तो इसके रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से इसका माइंड ब्लैंक हो गया था। अब ये उस ब्लैंक हो चुके माइंड पर एक नई कहानी लिखने का सोच रहा है, सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने का सोच रहा है, इस इल्यूजन से, इस भ्रम से बाहर आने का सोच रहा है। जो भी भ्रम इस पर्सन को रोक रहा था ना आपकी तरफ आने से, उन सारी बाधाओं को दूर करता हुआ नजर आ रहा है। सेवन ऑफ वांड्स का कार्ड हमें इंडिकेट भी कर रहा है और यहाँ पर द ड्रीम को क्लैरिफाई किया है सिक्स ऑफ वांड्स ने, तो देख रहे ना ये पर्सन रेडी है, बिल्कुल सक्सेस के बहुत करीब है। इस पर्सन को ऐसा लगता है जो सपने इसने आपके साथ देखे थे उन सारे ड्रीम्स को ये पूरा करना चाहता है, सक्सेस चाहता है आपके इसके रिलेशनशिप में। और यहाँ पर ये पर्सन आपको कोई कमिटमेंट दे सकता है, शादी कर सकता है, एंगेजमेंट कर सकता है, तो ये मन बना चुका है। और यहाँ पर हमारे पास मॉरलिटी को क्लैरिफाई किया है टेम्परेस ने, तो देख रहे हैं ना एंजल्स का सपोर्ट इस रिलेशनशिप पर है और ये पर्सन भी अब ये बात समझ चुका है, इसे डायरेक्शन मिल चुकी है, इसे समझ आ चुका है कि किस डायरेक्शन में इसे आगे बढ़ना है और किस डायरेक्शन में आगे बढ़कर इसको सक्सेस मिल सकती है, कामयाबी मिल सकती है। ये पर्सन ना अब समझ चुका है अपना सोल पर्पस, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जो भी इंट्यूशंस इसकी इसको गाइड करेंगी अब उन्हें ही फॉलो करने का सोच रहा है ये पर्सन। और ज़िंदगी में आपका साथ पाकर इस पर्सन को लगता है कि ज़िंदगी इसकी कंप्लीट हो सकती है, तो यहाँ पर ये इस एनर्जी में आ चुका है, एक्शन ले सकता है आपके लिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ये एक्शन ले सकता है, एक नई शुरुआत कर सकता है। अगर आप इस पर्सन का इंतज़ार कर करके थक गए हैं तो इसकी तरफ से एक्शन आता हुआ मुझे विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स नज़र आ रहा है। और ये इस पर्सन की अगर एनर्जी की बात करें तो ये इस वक्त एनर्जी से भरा हुआ है पर्सन, इसमें एक जज्बा है कुछ कर दिखाने का, तो यहाँ पर इसकी एनर्जी इसी तरह की है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी फीलिंग्स की बात करें तो इसके मन में बहुत सारी फीलिंग्स पहले भी थी आपके लिए, आज भी बहुत सारी फीलिंग्स हैं, तो ये इन फीलिंग्स को ना अब दबाना नहीं चाहता है, ये एक्सप्रेस करना चाहता है अपनी हर फीलिंग्स को। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी, और कितना रेजोनेट की है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, बाय बाय।